हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे स्पेस, और स्पेस के बारे में देखेंगे यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए स्पेस किस टाइप से इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो कुछ पहले बेसिक देखेंगे, आज की वीडियो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी जिसके अंदर सिर्फ ये देखेंगे कि स्पेस एक्चुअल में क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आपने कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़नी है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए उसको पढ़ क्यों रहे हैं, स्पेस की ज़रूरत क्यों है एक्चुअल के अंदर, हमें उसको पढ़ने के ऊपर स्पेस की एक्सप्लोरेशन के लिए इतना खर्चा क्यों किया जाता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे आज, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की हमारी लेक्चर सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसके अंदर भी हमारी काफ़ी चीज़ें बच गई हैं, उनको भी साथ साथ में लेते चलेंगे, इसको भी कम्प्लीट कर लेंगे। उसके बाद कुछ और स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, जो भी हमने टॉपिक देखे थे फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्पेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने स्पेस को पढ़ना हो तो तीन चीज़ों के अंदर पूरे स्पेस को आप इंक्लूड कर सकते हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ स्पेस, स्पेस एक्चुअल में किस चिड़िया का नाम है, स्पेस है क्या जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, पहले ये तो बताओ वो चीज़ क्या है। सेकंड, व्हाई टू स्टडी, आपने क्यों स्पेस को पढ़ना है। और थर्ड, हाउ टू स्टडी, किस तरीके से स्टडी करना है। और हाउ टू स्टडी के बाद में कुछ रिजल्ट आएंगे जो जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज़ स्पेस, व्हाट टू स्टडी, वाई टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। तो ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्पेस। तो स्पेस, जैसे अगर लाइफ के बारे में आपको पता हो, लाइफ किस तरीके से क्रिएट हुई, जियोग्राफी की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो, तो लाइफ क्रिएशन के लिए इसके अंदर जो भी हम पढ़ाएंगे, मतलब वो साइंटिफिक होगा, उसके अंदर जो भी साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह होंगी उन्हीं के ऊपर बेस के ऊपर चलेंगे। क्योंकि रिलीजन के हिसाब से तो लाइफ कुछ और होती है, साइंस के हिसाब से लाइफ कुछ और होती है। तो इसके अंदर बेसिकली हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली साइंस पे ही फोकस करेंगे। तो लाइफ का मतलब है हम जिस हिसाब से, मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है कुछ ना कुछ, हमें खाना चाहिए, जॉब के लिए तैयारी करते हैं, कोई यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है या किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपना सेल्फ जॉब करते हैं, कुछ अपना प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें काफ़ी, मतलब हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे अराउंड ये दुनिया रिवॉल्व करती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मतलब बेसिकली हम, अगर हमें नापा जाए, जैसे दुनिया के अंदर अगर आप सुई रख दो, हमारे पूरी अर्थ के ऊपर सुई रख दो, और उसके बाद बोलो कि अर्थ के अंदर इसका कितना बड़ा पार्ट है, तो उस हिसाब से ही हमारा पार्ट इस यूनिवर्स के अंदर उससे भी कम है, ठीक है। हम इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, हमें इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए हुए हैं, हम एक्चुअल में क्यों यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। हम ह्यूमन बींग हैं, तो ह्यूमन भी तो हमने खुद को खुद ही नाम दिया हुआ है। हमारी क्रिएशन कैसे हुई, रिलीजन के हिसाब से तो पर्सन अपनी थ्योरियाँ देते हैं, लेकिन अगर आप साइंस की बात करोगे तो आप, साइंस काफ़ी ट्रिकी हो जाती है। यहाँ पे आपको अपना ओरिजिन ट्रेस करना है, आप एक्चुअल में क्यों एग्जिस्ट करते हो। अगर आप मानो आज अर्थ ख़त्म हो जाती है, ब्लास्ट हो जाता है और सब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो फिर अर्थ यूनिवर्स के अंदर क्या होगा। ये जो सवाल होते हैं इनसे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई, मतलब एक तरीके से अगर आप ही ख़त्म हो जाएं, अर्थ ख़त्म हो जाए, पूरे प्लैनेट सिस्टम ख़त्म हो जाए, तो सोचो क्या होगा इस दुनिया के अंदर में, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी, वही प्लैनेट वगैरह स्टार वगैरह यहाँ पे घूम रहे हैं। तो एक्चुअल में दुनिया बनाने का मकसद क्या था, हम यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं। जो हमने सब कुछ डेफिनेशन बनाई हुई है वो सिर्फ हमारे द्वारा बनाई गई हैं, हमें एक्चुअल में नहीं पता कि एक्चुअल में हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारी क्रिएशन कैसे हुई, हम जो आज हैं वो क्यों हैं, जो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, ऑर्गेनिज्म डेवलप ही क्यों हुए, ठीक है। क्योंकि हम तो रिसेंट क्रिएशन है, हमसे पहले भी लाखों हज़ारों वेराइटीज़ आई, डायनासोर ने यहाँ पे राज किया, वो भी यहाँ पे, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन जैसे माना जाता है कि एस्ट्रॉयड ने हिट किया तो वो मर गए। उसी तरीके से ये भी निश्चित है कि हम भी मर जाएंगे, अर्थ के ऊपर एस्ट्रॉयड हिट कर सकता है फिर से, या कोई और जो है हमारी अर्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, या फ्यूचर के अंदर सन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा वो भी ख़त्म ही होगा, सन ख़त्म होगा तो अर्थ भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब हमारी क्रिएशन के बाद हम कहाँ रहेंगे, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, क्या हम यूनिवर्स के अंदर अकेले हैं, कोई और भी एग्जिस्ट करता है, ये सब जो सवाल होते हैं ये फैसिनेट करते हैं साइंटिस्ट को। क्योंकि हमें अगर फ्यूचर के बारे में पता हो, डायनासोर को पता नहीं था कि स्पेस के अंदर भी कुछ है जो कि एस्ट्रॉयड उनको हिट कर सकते हैं, तो वो बच नहीं पाए, लेकिन हमें अगर पता हो किसी चीज़ के बारे में तो हम उससे बच सकते हैं। तो उसी के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज स्पेस, एक्चुअल में स्पेस क्या होता है, दूसरी बात इसको स्टडी क्यों करना है, तीसरी बात इसको किस तरीके से स्टडी करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज स्पेस के बारे में अगर बात करेंगे, तो जो दुनिया की क्रिएशन की सबसे एक्यूरेट थ्योरी मानी जाती है, जो कि जिसके ऊपर भी काफ़ी कॉन्टेस्ट हैं, साइंटिस्ट इसको भी नहीं मानते, क्योंकि
इसमें बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, मतलब एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ, एक बिंदु था, पहले माना जाता है इस थ्योरी के अनुसार कि एक बिंदु था जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ, वो उस बिंदु की डेंसिटी इनफाइनाइट थी, उसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी थी, ठीक है। तो उस बिंदु का ब्लास्ट हुआ और वो उसके बाद हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। लेकिन अब इसके ऊपर जब बात चलती है कि बिग बैंग से पहले क्या था, उसके ऊपर फिर साइंटिस्ट को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अगर बात बिंदु की हो रही है, आप एक बिंदु से पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो, तो जो यूनिवर्स का कंसेप्ट आता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एक बिंदु के अंदर एनर्जी कहाँ से थी, उसमें एनर्जी थी तो पहले क्या था, वो बिंदु कहाँ से आया, वो सब चीज़ें पता नहीं है। तो बिग बैंग हमारी थ्योरी है जिसके अंदर बोला जाता है एक हमारे पास सिंगल पॉइंट है जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, उसमें ब्लास्ट हुआ और फिर हमारी दुनिया इस तरीके से क्रिएट हुई, और एक बिंदु में ब्लास्ट होने के बाद दुनिया फैलती ही चली गई, प्लैनेट क्रिएट हुए, हमारे पास सन क्रिएट हुआ, तो ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं बिग बैंग के बाद। अब हम इस बात डिटेल में नहीं जाएंगे कि बिग बैंग सही है गलत है कुछ भी है, आप सिर्फ इतना समझो स्पेस कैसे क्रिएट हुआ। बिग बैंग हमने देख ली, ब्लास्ट हुआ एक बिंदु के अंदर, उसके बाद हमारा यूनिवर्स क्रिएट होता है। तो बिग बैंग होने के बाद, बिग बैंग होती है एक हॉट और इनफाइनाइट डेंस पॉइंट होता है, वो फटता है 13.7 बिलियन ईयर एगो, और उससे चार चीज़ें बनती है मेनली जिनके ऊपर हमारा एग्जिस्टेंस बेस्ड है या साइंस बेस्ड है पूरा। तो साइंस किस चीज़ के ऊपर बेस है, एक मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये चार चीज़ें बनती हैं जब बिग बैंग ब्लास्ट होता है। उसके बाद प्रोसेसेस के द्वारा चार चीज़ें बनती हैं, टाइम भी पहले माना जाता है कि बिग बैंग से पहले कोई टाइम नहीं था। हम जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन जो हमारी सोच के परे हैं, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में आपने पहले नहीं सुना तो आपको कुछ अजीब ही लगेगा, जैसे टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, इसका क्या मतलब हुआ। हम समझते हैं कि टाइम सिर्फ जो घड़ी है वो चलती रहती है तो उसको टाइम बोलते हैं, लेकिन टाइम भी कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ चलती ही रहती है। जैसे टीवी शो वगैरह में दिखाते हैं कि टाइम, मैं समय हूँ, मैं यूनिवर्सल हूँ, मैं चलता रहता हूँ, लेकिन टाइम भी बिग बैंग के बाद क्रिएट हुआ, और टाइम भी स्लो होता है, फास्ट होता है, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। आगे जब हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, क्वांटम के अंदर, तो उसमें हम समझेंगे कि टाइम का कंसेप्ट क्या है, टाइम कैसे रिलेटिव है चीज़ों के। ऐसा नहीं है कि टाइम हर जगह सेम चलता है, टाइम भी रिलेटिव है, तो फिर उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो चार चीज़ें बनी, मैटर बना, एनर्जी बनी, स्पेस बना, टाइम बना। मैटर की अगर बात करेंगे तो मैटर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे टाइप के आधार के ऊपर देखोगे आप तो नॉर्मल जो उसकी स्टेट होती है उस आधार पे देखोगे तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, प्लाज्मा फॉर्म में हो सकता है, बोस आइंस्टाइन फॉर्म में हो सकता है। उसकी नॉर्मेलिटी के आधार पे देखोगे तो एक नॉर्मल मैटर होता है, एक एंटी मैटर होता है, एंटी मैटर नॉर्मल का अपोजिट होता है। फ्यूचर में आने वाले लेक्चर में जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, अभी सिर्फ आप सिर्फ एक बार नाम सुन लो इनके, बाद में एक बार नाम आएंगे अलग से तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि हमने पहले कभी नाम सुना हुआ इनका। और नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी के आधार पे, मतलब दिखता है कि नहीं दिखता है, उस आधार पे नॉर्मल मैटर होता है, डार्क मैटर होता है। पार्टिकल अगर नॉमिनक्लेचर उस हिसाब से लेंगे तो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, बोसोन, क्वैक्स एक्सेट्रा, तो वो सब कुछ होता है मैटर का पार्ट। तो ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है तो ही हम एग्जिस्ट करते हैं, और जो हम अदर साइंसेज पढ़ते हैं जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, तो वो सब साइंसेज बेस्ड हैं इन्हीं के ऊपर, मैटर के ऊपर। नेक्स्ट आता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे केमिकल एनर्जी, ठीक है, बॉडी के अंदर आपकी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, वो सब केमिकल, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े के अंदर एनर्जी है तो वो केमिकल फॉर्म में स्टोर है उसके अंदर, डिफरेंट फॉर्म कैसे हो सकती है, जैसे ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी वाली एनर्जी केमिकल एनर्जी, जैसे बॉडी के अंदर स्टोर है आपकी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस जो एटम होता है, न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन से बनेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर है। साउंड वेव्स भी एक फॉर्म की एनर्जी है, तो ये चीज़ें हमारी क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट आता है स्पेस, स्पेस क्या है, स्पेस है कंटिन्यूस एरिया जो कि अनऑक्युपाइड है, अवेलेबल है। स्पेस नॉर्मल कंडीशन में लोगे तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट स्पेस, बड़ी कंडीशन में लोगे तो अर्थ के बाहर का एनवायरनमेंट स्पेस, तो ये हमारा स्पेस है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है टाइम, तो टाइम क्या है, टाइम कोई सर्टेन पीरियड है जिसमें कुछ किया जा रहा है या किया गया है, ठीक है, तो उसको टाइम बोलते हैं। तो ये चार चीज़ें हमारी बिग बैंग के बाद बनती हैं। फिर नेक्स्ट, जैसे बिग बैंग के बाद ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद हमारे पास एलिमेंट नहीं थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और भी आपको एलिमेंट चाहिए थे, तो काफ़ी लार्जर टाइम के बाद में हाइड्रोजन की क्रिएशन होती है। हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन जो है ग्रेविटेशनल जो होती है, अर्थ जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से, ग्रेविटी भी कंसेप्ट आगे देखेंगे, ग्रेविटेशन होती क्या है एक्चुअल के अंदर में, क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आइंस्टाइन ने
क्लियर की थी, जिसके लिए उसको नोबल प्राइज़ मिला था, उन चीज़ों के बारे में। तो इनके अंदर अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें सिर्फ आप बेसिक समझो स्पेस क्या है, स्पेस को क्यों स्टडी करना है और कैसे स्टडी करना है, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। बिग बैंग ब्लास्ट होता है, वहाँ से आगे हमारे एटम क्रिएट होंगे और आगे जाके हमारे प्लैनेट क्रिएट होंगे। इन्हीं प्लैनेट में से सिस्टम क्रिएट होंगे स्टार के, और इन्हीं में से एक है हमारा अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लाख ईयर एगो, अब 13.7 बिलियन ईयर एगो ब्लास्ट हो गया, फिर 4 लाख ईयर आफ्टर बिग बैंग, बिग बैंग हो जाता है उसके 4 लाख ईयर बाद फर्स्ट एटम क्रिएट होता है हाइड्रोजन का। अब ग्रेविटेशन जो होती है, गैस और स्मोक होती हैं, वो उसको कंप्रेस करने लगते हैं। जब कंप्रेशन होती है तो डेंसिटी बढ़ती है, किसी चीज़ की डेंसिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो फ्यूज़न की प्रोसेस शुरू हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम मिलना शुरू हुए और हमारे पास हीलियम की क्रिएशन हुई, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, न्यूक्लियर फ्यूज़न हुआ और हीलियम बना एच एफ से मिलके। अब उसके बाद में जब ये चीज़ें मिल गई तो उसके बाद बना स्टार, कोई चमकने वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, फ्यूज़न फ्यूज़न होगा तो स्टार बन जाएगा। तो सबसे पहले बना कोई स्टार, जैसे सन भी एक स्टार का टाइप है, ऐसे लाखों स्टार हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर में, सॉरी लाखों भी नहीं, मतलब इनफाइनाइट बोल सकते हो आप। तो हमारे पास स्टार बना। अब स्टार जो है थोड़े टाइम बाद स्टार मर जाता है, थोड़ा एज होती है किसी भी चीज़ की, तो ये टूटता है, फट जाता है। उसके बाद जो रिएक्शन वगैरह होते हैं उनसे अदर एलिमेंट बनते हैं, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम से तो प्लैनेट नहीं बना सकते आप, स्टार तो बन सकता है क्योंकि स्टार के अंदर सिर्फ हीट होगी, वो तो जलेगा सिर्फ, लेकिन प्लैनेट बनाना है उसके लिए आपको मेटल और भी ज़्यादा एलिमेंट वगैरह चाहिए, जिनसे जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सब चाहिए, तो वो बनते हैं सुपरनोवा से। स्टार में जब ब्लास्ट होता है उसकी वजह से बनते हैं। अब ये सुपरनोवा काफ़ी सालों तक चले रहते हैं, अलग अलग स्टार फटते रहते हैं, बनते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास एलिमेंट बनते हैं अदर एलिमेंट, ठीक है। सुपरनोवा कंटिन्यू रहते हैं और क्रिएशन होती है अदर एलिमेंट, जो कि नेसेसरी होते हैं प्लैनेट को बनने के लिए। और 4.5 बिलियन, सन भी ऐसा ही स्टार होता है, और इसके अराउंड जो हमारे पास जो डस्ट वगैरह होती है या जो भी सुपरनोवा का मटेरियल होता है वो सब इकट्ठा होता है और वो सब बनाता है अर्थ, बीच में स्टार और हमारा प्लैनेट सिस्टम बनता है उसकी वजह से। तो प्लैनेट पहले अर्थ जब बनता है तो हमारी अर्थ जो थी वो एक वॉलकैनो थी, अर्थ के ऊपर वॉलकैनो ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जीवन वगैरह तो आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से हैवी मेटल अंदर चले गए, वॉलकैनो के अंदर जो मेटल वगैरह हैवी मेटल थे वो अंदर चले गए, लाइट मेटल ऊपर रह गए, ठीक है। उसकी वजह से थोड़े टाइम बाद जो था रेन वगैरह शुरू हुई अर्थ के ऊपर, क्योंकि वाटर जो था वो वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था। थोड़े टाइम बाद रेन होना शुरू हुई, लाखों सालों तक रेन होती रही, उसकी वजह से हमारे पास जो ओशन क्रिएट होते हैं, ठीक है। और मून जो है, मून की क्रिएशन के लिए थ्योरी मानी जाती है कि एस्ट्रॉयड ने हिट किया था अर्थ को, उसकी वजह से अर्थ का जो मटेरियल टूटा था, ठीक है, वो जब गैदर हो गया ग्रेविटेशन की वजह से, उसने मून को क्रिएट कर दिया। अर्थ जब स्टार्टिंग के अंदर थी तो अर्थ काफ़ी फास्ट स्पिन करती थी, मतलब 8 घंटे के अंदर एक दिन हो जाता था, लेकिन जब मून की क्रिएशन हुई उसने स्लो कर दिया अर्थ को। तो अर्थ जो अर्थ के ऊपर जीवन होने के लिए मून को भी काफ़ी बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। अब ओशियन बन गए, ओशियन के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो हमारी प्रिमिटिव लाइफ है उनकी फॉर्मेशन हुई लेटर ऑन। पहले ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया बना एक, जो कि जिसने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया था। अब वो CO2 लेता था और ऑक्सीजन बनाता था, तो उसी ने हमारे जीवनदाता है साइनोबैक्टीरिया को ही हमारा जीवनदाता माना जाता है, उसकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम धीरे धीरे करके इवॉल्व हो गए। तो अब हम देखेंगे वाई टू स्टडी स्पेस। स्पेस हमने देख लिया कि अर्थ से बाहर आप मान लो या आप अपने सराउंडिंग में मान लो स्पेस। अब आपको क्या ज़रूरत है कि सन के अंदर क्या हो रहा है आपने क्यों पढ़ना, अगर कोई और यूनिवर्स के अंदर कुछ है आपको क्यों ज़रूरत है उसके बारे में समझने के लिए। फर्स्ट है ह्यूमन सर्वाइवल। तो ह्यूमन सर्वाइवल की सबसे पहली बात आती है, सन का एग्जांपल लेते हैं, सन की भी एक पर्टिकुलर एज है, उसके बाद सन भी मर जाएगा, ठीक है। या आप समझो सन से भी रेडिएशन निकलती हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल हैं। अर्थ की जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा शील्ड लगी हुई है अर्थ के अराउंड, जो कि कोर के अंदर हैवी मटेरियल जो चले गए थे वॉल्केनो के द्वारा, उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड डेवलप हो गई है जो हमें बताती है अर्थ के द्वारा रेडिएशन जो आती है। लेकिन अगर सन जो है जैसे जैसे इसकी एज होती जाएगी तो इसके जो रेडिएशन होंगी वो भी और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो हमें समझना पड़ेगा यूनिवर्स को, अगर हम समझेंगे स्टार की वर्किंग को समझेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। और एक टाइम आएगा जब सन ख़त्म होगा ही होगा, तो उस टाइम हमें ज़रूरत होगी, हमने किसी और जो सोलर सिस्टम है वहाँ पर शिफ्ट करना है किसी और जगह पे। कुछ टाइम आएगा जब सभी स्टार मरेंगे, उस टाइम बचेंगे ड्वार्फ स्टार,
ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे ड्वार्फ स्टार क्या होते हैं और भी स्टार किस तरीके के होते हैं, लेकिन हमें मतलब अर्थ को छोड़ के जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, हो सकता है करोड़ों सालों बाद जाना पड़े, लेकिन हमें इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सेकंड हमारे पास आता है इन्वेंशन, ठीक है, इन्वेंशन ह्यूमन सर्वाइवल के अंदर ये एक और जो खतरा है वो एस्ट्रॉयड का है। एस्ट्रॉयड के लिए नासा ने मिशन बनाया हुआ है जो कि ये 2000 आई थिंक 22 के अंदर हमारे अर्थ को हिट करने के लिए या साइड से निकलने के लिए कुछ एस्ट्रॉयड आएंगे उनको हिट करने के लिए नासा मिशन बना रहा है। मतलब एस्ट्रॉयड जिस तरीके से हमारे डायनासोर मरे थे एस्ट्रॉयड की हिटिंग की वजह से, उस तरीके से हम भी मर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए स्पेस से कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कैसे आ रहे हैं वो, हमारी अर्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अर्थ की स्पिन कैसे होती है, सब कुछ पता होना चाहिए। हमें सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रीज़न। सेकेंड इन्वेंशन की बात करते हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जब आप मतलब इसके बारे में साइंटिस्ट डिस्कवरी करते हैं तो नई नई इन्वेंशन होती हैं। जैसे रिसेंट के अंदर आपने देखा होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने सेटेलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोटिंग थी वो बनाई थी, जो कि सेटेलाइट को यूनिवर्स के अंदर फ्रिक्शन की वजह से अगर हीट ज़्यादा हो जाती है उसकी आग लगने से बचाने के लिए एक कोटिंग बनाई थी। तो वही जो इन्वेंशन है उसको घरों के अंदर भी यूज़ करने की बात हो रही है। अब इन्वेंशन तो की गई थी स्पेस के लिए लेकिन यूज़ किया जा रहा है घरों के अंदर। स्पेस के अंदर जो बैक्टीरिया किस तरीके से बिहेव करते हैं, स्पेस के अंदर फूड को कैसे ले जाया जाता है, प्रोटीन स्पेस के लिए सिंगल सेल प्रोटीन कैसे लेके जाते हैं, उन सब चीज़ों को मतलब स्पेस के लिए वर्क करते करते कई ज़्यादा इन्वेंशन हो जाती हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए नॉर्मली हेल्पफुल होती हैं। नासा को भी जो उनका स्पेस मिशन है उसके लिए भी उन्होंने हज़ारों डिस्कवरी की हैं जो कि कॉमन मैन के लिए यूज़फुल हैं, जो कि इम्पॉसिबल होनी थी क्योंकि आपने वो डायरेक्टली तो आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते थे। आप उसको स्पेस के लिए यूज़ जो है चीज़ों को ईजाद करते हो, मतलब इन्वेंशन भी होती हैं इससे। थर्ड आता है रिसोर्सेज, बाहर जो स्पेस के अंदर काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है हमारे पास, प्लेटिनम है और जो हीलियम है हमारे पास मून के अंदर, जो अभी रिसेंट के अंदर बोला था कि काफ़ी ज़्यादा है जिससे कि हम काफ़ी ईयर्स तक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो अगर इनको हार्नेस कर लिया जाए, किसी एस्ट्रॉयड की माइनिंग की जाए, मून की माइनिंग की जाए, तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आता है डिस्कवर करना हु आर वी, एक्चुअल में हम कौन हैं, ये डिस्कवर करना हमारी क्रिएशन कैसे हुई है और क्या हम अलोन हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो हो सकता है इसमें लाखों प्लैनेट ऐसे हों जिनके अंदर जीवन संभव हो, तो वो चीज़ें पता करनी है। नेक्स्ट आता है जर्नल हमें फ़ायदा करवाने के लिए, जैसे सेटेलाइट है, सेटेलाइट से कम्युनिकेशन करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, रिमोट सेंसिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए हमें ज़रूरी है स्पेस की एक्सप्लोरेशन। करते कैसे हैं, करते हैं सेटेलाइट वगैरह भेजते हैं, इंटरप्लैनेटरी मिशन भेजते हैं या टेलीस्कोप से हम स्पेस की स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास तीन मेथड हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे कैसे कौन सा इसरो का प्रोग्राम है, इसरो क्या करती है, नासा क्या करती है, टेलीस्कोप क्या होता है, कौन कौन से टेलीस्कोप हमारे पास हैं अभी करंटली, प्रीलिम के लिए क्वेश्चन आएंगे इनसे, स्पेस के से क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलेंगे, स्टार्ट करेंगे उस टाइम। थैंक यू।